तो ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी की धूम इस वक्त हर तरफ देखने को मिल रही है। सिडनी में प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया है और आपको यह भी बता दें कि ओलंपिक पार्क में आज प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं और अब से थोड़ी देर में कुछ ही समय का इंतजार है और फिर प्रधानमंत्री का संबोधन शुरू होगा और भारतीयों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोपहर 1:30 बजे का समय है जब प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, तो भारतीय समुदाय को देश वो संबोधित करेंगे और देशभक्ति गीत भी भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री के स्वागत में वहां पर गाया। विशाल पांडे हमारे साथ बने हुए हैं लगातार, सिडनी से हैं, ग्राउंड जीरो से हैं। विशाल, अब ये इंतजार मुझे लगता है कि वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनके लिए भारी हो रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि बस प्रधानमंत्री आए वो उनका स्वागत सत्कार करें। देखिए पयोधी, बिल्कुल, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से लगभग 1 घंटे बाद या आप कह सकते हैं 1.25 घंटे में इस स्टेडियम में पहुंचेंगे जो कि ये पूरा ओलंपिक पार्क है जहां लगभग 20,000 की संख्या है, लेकिन जितनी संख्या हमें अंदर इस वक्त दिखाई दे रही है उससे ज्यादा लोग बाहर है। मैं आगे आपको अपनी बात पूरी करूं उससे पहले आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। ये स्टेडियम पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ है, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ भारतीय समुदाय के लोग यहां पर नजर आएंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम फिलहाल चल रहा है और अब से लगभग 1 से 1.25 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी स्टेडियम में पहुंचेंगे। उनके साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज एंथनी भी मौजूद रहेंगे। ये कुडोस बैंक एरिना का स्टेडियम है ओलंपिक पार्क में सिडनी का। पूरी सीटें आपको यहां पर धीरे धीरे भरी हुई नजर आ रही हैं, लोग पहुंच रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पर शिव तांडव चल रहा है, लोग बैठे हुए हैं पीएम मोदी को देखने आए हैं। कुछ लोग जो यहां पर हमारे साथ में मौजूद है मैं उनसे पूछ लेता हूं, कैसे आप लोगों ने पूरी तैयारी की इतने बड़े कार्यक्रम की? आप तो आयोजकों में से भी एक रहे हैं, सिडनी में इतना बड़ा कार्यक्रम करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये कितनी चुनौती रही? देखिए, जब हमारे माँ भारती के इतने यशस्वी सपूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतना प्यार अपनी तरफ से जब दिखाते हैं कि जब जो बाइडेन भी यहाँ नहीं आ रहे थे उसके बाद भी उन्होंने यहाँ की अपनी यात्रा को जो है जारी रखा, यहाँ पर आए, तो ये उनका प्यार या भारत के 8 लाख निवासी जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं उनके प्रति दिखाते हैं। तो जब वो एक कदम चलते हैं तो यहाँ के जो 8 लाख भारतीय हैं वो 10 कदम चलने के लिए तैयार रहते हैं। कितने लोग आज इस पूरे सिडनी में मौजूद रहेंगे इस कार्यक्रम में? आज यहाँ पे अंदाजा लगाया जा रहा है कम से कम 25,000। तो आप कौन बता रहे हैं? अंतिम सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं उसका जवाब कि यहां पर जो हैरिस पार्क है उसका नाम बदलकर लिटिल इंडिया करने की तैयारी, क्या उसका अनाउंसमेंट भी आज इसी मंच से होगा? देखिए, हम लोग अनुमान लगा रहे हैं क्योंकि एक तरीके से डिफैक्टो लिटिल इंडिया उसको बोला ही जाता है, लेकिन उसको अगर औपचारिक तौर पर अगर उसका जो हम ये यहाँ पे घोषणा कर देंगे तो मेरे ख्याल से काफी बल हमारे भारतीय निवासियों को यहाँ पर मिलेगा। लिटिल इंडिया औपचारिक तौर पर करने की तैयारी है। पयोधी, एक बार जल्दी से तस्वीरें मैं आपको स्टेडियम की दिखा देता हूँ क्योंकि तस्वीरें बेहद खास हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार यहाँ पर भारतीय समुदाय के लोग कर रहे हैं, अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए हैं इस वक्त। देखिए तस्वीरों में सुबह से ही मैं यहाँ पर देख रहा था क्योंकि भारत के समय के हिसाब से 4:30 घंटा यहाँ पर समय आ गए हैं, काफी जोश दिखाई दे रहा है। क्या नाम है आपका? पिंकी। पिंकी, मोदी जी यहाँ पर आने वाले, कैसी तैयारी आप लोगों की, कैसे स्वागत कर रहे हैं? We are full on energy and 100% excitement to see them. Namo namo. Modi, we love Modi ji. Namo namo 3.0. की भी तैयारी को लेकर तमाम लोग बयान दे रहे हैं जो भारतीय समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं। ये मैं आपको स्टेडियम में जहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम फिलहाल चल रहा है उसकी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार चारों तरफ पूरे स्टेडियम की तस्वीर दिखाएं क्योंकि ये तस्वीर बेहद खास है। ये पूरा 20,000 की क्षमता वाला स्टेडियम है और पीएम मोदी के आने से पहले ही लोग यहाँ पर आकर बैठ चुके हैं, अपनी सीट ले चुके हैं और पीएम मोदी के इंतजार में है। सिडनी का ये ओलंपिक पार्क का ये जो, और मैं आपको अब आगे स्टेज की तस्वीरें कुछ दिखाता हूं जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए सीधी ओलंपिक पार्क के इस स्टेडियम से सिडनी में जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज मौजूद रहेंगे। बेहद खास तस्वीरें हैं यहाँ की, भारतीय संस्कृति की झलक ऑस्ट्रेलिया में दिखाई दे रही है। हमने सुबह से देखा है भारत के अलग अलग राज्यों की जो विविध संस्कृति है उसकी झलक देखने को मिल रही है, गुजरात से लेकर केरल तक, गोवा
गोवा की भी हमने यहाँ पर जो संस्कृति है, कल्चर है, उसको देखा। साथ ही यहाँ पर महाराष्ट्र के भी जो लोग हैं वो भी अपने पारंपरिक अंदाज में पीएम मोदी के स्वागत के लिए पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा अलग अलग जो राज्य हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के लोग हों या फिर उत्तर प्रदेश बिहार के लोग हों, हर कोई अपने अंदाज में यहाँ पर पीएम मोदी का स्वागत कर रहा है। आज हमने ये देखा कि कैसे सिडनी के आसमान में वेलकम मोदी लिखा गया, और साथ ही क्योंकि मेलबर्न से लोग मोदी एयरवेज नाम का एक चार्टर्ड प्लेन बुक करके पहुंचे हैं, ब्रिस्बेन से एक पूरी बस बुक करके लगभग 1000 किलोमीटर की यात्रा तय करके भारतीय समुदाय के लोग रात भर ट्रैवल करके सिडनी पहुंचे और पीएम मोदी को देखने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए। तो देखिए, ये पूरे स्टेडियम की तस्वीरें दिखा रहा हूं, खचाखच ये पूरा स्टेडियम भरा हुआ है, मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं, इंतजार है बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि वो कब यहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कम्युनिटी इवेंट से पहले कई खास लोगों से ऑस्ट्रेलिया की मुलाकात की, जिसमें बिजनेस पर्सनालिटीज शामिल है, कुछ कंपनियों के सीईओज मौजूद थे। इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया के प्रोमिनेंट फेसेस रहे उनसे भी पीएम मोदी ने मुलाकात की है। तो आप ये कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री का यह दौरा बेहद खास रहा है। Zee News.